ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, जिसमें हम कर रहे हैं कैंटो पहला अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। तो हमने सुना किस प्रकार से पुत्र के जन्म होने पर, परीक्षित महाराज के जन्म होने पर किस तरह के नक्षत्र थे, बहुत ही बढ़िया नक्षत्र थे। हमने सुना कैसे नक्षत्र हमारे कर्मों से ही बनते हैं। उसके बाद कैसे पुत्र के जन्म लेने पर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न दान में दिया। वो जानते थे कि कब किसको दान देना है। हमने सुना ब्राह्मणों को दान देने का क्या महत्व है। अब चलते हैं श्लोक संख्या 15 में। तमोजु ब्राह्मणात् सॉरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमोजु ब्राह्मणातुष्टा राजनम प्रशया अन्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातंतो पूर्णां पौरव ऋषभ। राजा के दान से अत्याधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। हाँ, पुरुवंश के पुरु भी हैं, कुरु हैं, भाई थे। तो यहीं से ये वंशावली है जो कि हम आगे सुनेंगे जब भागवतम में बहुत आगे चले जाएंगे। तो बोला कि निश्चय ही तुम्हारी जो परंपरा रही है ना, बिल्कुल परंपरा में बढ़िया जाएगा लड़का। जैसे तुम्हारे पांडव थे, जैसे उसके पीछे थे कुरुवंश था, ये सारे बिल्कुल वैसा ही नाम रोशन करने वाला होगा। देवेन अप्रधि अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम अपे उपेयुषि रातवा अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिदेवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने वाला था। तो आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसको स्वयं भगवान ने बचाया है। वैसे तो हम सबको भगवान ही बचाते हैं अल्टीमेटली हमेशा ही, लेकिन आपको तो साक्षात दर्शन देके भगवान ने बचाया। आपने सुना था कैसे भगवान उत्तरा की कोख में गए और इसको इस अति मतलब बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र से बचाया। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा और संहार का कार्य करते हैं और उन्हें विष्णु और विष्णु उनके पूर्णांश हैं। तो भगवान जब रक्षा का काम करते हैं, संहार का काम करते हैं, तो विष्णु रूप में करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण रूप है, कृष्ण मतलब लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनका आविर्भाव दिवस आने वाला है बहुत जल्दी, जन्माष्टमी आने वाली है। तो वो जो भगवान है वो लीला पुरुषोत्तम है, वो हमेशा लीलाएँ करते हैं। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि विष्णु ही महान है, क्योंकि सारे वध तो विष्णु करते हैं। चक्र तो विष्णु के पास है, गदा तो विष्णु के पास है, शेषनाग तो विष्णु के पास है, देवता तो विष्णु के पास जाते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं विष्णु ही तो है, ये तो बालक है नाचने वाला सांप के फनों पर। नहीं, वास्तव में वो लीला पुरुषोत्तम है। एक कंपनी में सबसे अधिक आराम करने वाला व्यक्ति है तो कंपनी का मालिक ही हो सकता है। मालिक काम करे वो उसकी इच्छा है, लेकिन यदि वो टेबल पे पैर पे पैर रख के रख दे तो कोई उसको बोल सकता है कि क्या कर रहे हो मिस्टर, पैर नीचे रखिए, क्योंकि इज द ओनर। हाँ, इस प्रकार से ओनर सर्वलोके महेश्वरम इज द ओनर। ये भगवान के पास कोई कार्य नहीं करने के लिए, क्यों? क्योंकि उनकी शक्तियाँ सारा काम करती हैं। जैसे कंपनी का मालिक की सारी शक्तियाँ, सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो इस प्रकार से वो सारे रक्षा के इत्यादि के काम विष्णु अंश से कराते हैं जो उनके पूर्णांश हैं। तो ऐसे ही विष्णु से परीक्षित महाराज की रक्षा हुई, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, विष्णुरात, विष्णु द्वारा रक्षित किए हुए विष्णुरात। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति ना संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। इस कारण इस बालक या बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। देखिए, आजकल जो है जब जन्मपत्री दिखाई जाती है तो पेरेंट्स की बड़ी इच्छा होती है, बताइए मेरा बेटा इंजीनियर होगा कि नहीं होगा।
अच्छा इसके हाथों में फॉरन रिटर्न का कुछ लिखा है, फॉरन जाने का लिखा है क्या? देखिए जरा, देखिए फॉरन में जाएगा कितना कमाएगा, क्या करेगा? कोई कहेगा जी इसके आसपास चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी, पता लगा वो ट्रैफिक पुलिस का ठुल्ला बन गया, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। हाँ, तो हमारी जो इच्छाएं हैं आजकल अपने बच्चों से ही है, पहले पुराने जमाने में, आज भी होता है, वो एक संस्कार भी है हमारे शास्त्रों में कि बच्चे के सामने भगवद गीता, कुछ धन इत्यादि कुछ चीज़ें रख दी जाती हैं और बच्चा उसमें क्रॉल करके जाता है और जिस चीज़ को पकड़ लेगा ऐसा समझा जाता था ऐसा ही उसका नेचर बनेगा। मैंने कई लोगों को देखा, लिटरली मुझे पता लगा कि बच्चा जब भागवत इत्यादि ग्रंथ की तरफ बढ़ने लगा तो उन्होंने भागवत को साइड कर दिया, खेल खेल सा ही हो रहा था, एक तरह से खेल हो रहा था लेकिन उनके लिए वो खेल ही था, और इस तरह से उन्होंने बच्चे से ज़बरदस्ती काइंड ऑफ धन पकड़वा लिया। ये इच्छा ही है, ये इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है अगर आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं तो, दिस इज द, यही हमने कल्चर उनको बचपन से दिया है। ये तो मैं रियल घटना बता रहा हूँ आपको, ऐसा हुआ और ये चाहते भी हैं। हम कहीं पे जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे क्या इस उम्र में ऐसा कर लिया आपने, सब छोड़ दिया, ऐसा कैसे, अभी तो आप जवान थे। लोगों को ऐसी भ्रम है कि ये तो है बुढ़ापे के लिए, ये सब तो बुढ़ापे के लिए, पहले तो धन कमाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए, शोहरत कमानी चाहिए। हम बेसिकली हमारे जैसे बाल उड़ गए पिट पिट के कमाने में, वैसे सबके उड़ने चाहिए, सब पिटने चाहिए। कितने भ्रम के संसार है, हमें तो सुख नहीं मिला, हम सोचते हैं इन चीज़ों में सुख है, हम सोचते हैं हमसे कोई गलती हो गई मेरा बच्चा वो गलती नहीं करेगा तो खूब खाएगा कमाएगा, और इसी भ्रम में सारा संसार जी रहा है। इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, गुणगान करे जा रहे हैं इस बालक के बारे में, भविष्यवाणी करी जा रही है, क्या करी जा रही है कि ये महान भाग्यशाली है। क्यों? अगर आजकल किसी पेरेंट्स को बोल दो अरे आपका बेटा तो बड़ा भाग्यशाली, अच्छा डॉक्टर बनेगा क्या? ये बोला जा रहा है आपका बेटा बड़ा भाग्यशाली है, क्यों? क्योंकि ये महाभागवत बनेगा, समस्त गुणों में संपन्न होगा। जवानी में परीक्षित महाराज ने सारा राज्य त्याग दिया, भरी जवानी में। हाँ, ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्र कि जो उनको श्राप मिला वो श्राप के बदले में उसको काट सकते थे, वो इतने शक्तिशाली थे जो कलियुग को रोक सकते थे, क्या वो एक ब्राह्मण के बच्चे के श्राप को नहीं रोक सकते थे? लेकिन उन्होंने श्राप को नहीं रोका, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विष्णु कृष्णा। वो जानते थे कि जो भी हमारे जीवन में होता है कृष्ण की इच्छा है, इसलिए कृष्ण की इच्छा से क्यों लड़ा जाए, क्यों ना आत्मसमर्पण किया जाए। हाँ, और जवानी में ही उन्होंने सारा राज्य त्याग के इस प्रकार भागवत सुनी, और आज तक हम उनका नाम जपते हैं। सुन रहे, 5000 साल पहले किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं आप जो 5000 साल पहले आया था, जिसका आज भी नाम है, ख्याति है? क्या ऐसी संतान नहीं चाहेंगे आप? इसलिए कहते हैं संसार में भगवान के भक्त के रूप में ख्याति होना सबसे बड़ी ख्याति है। लेकिन क्या करें, बाहर के तो बाहर के, हमारे भक्त ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में। गुरुकुल में एडमिशन से पहले 10 प्रश्न, क्या ये बन पाएगा, क्या ये बन पाएगा, क्या ऐसा होगा? अरे यहाँ पे तो परीक्षित महाराज के बारे में भविष्यवाणी हो रही है कि महा भाग्यशाली होगा क्योंकि महाभागवत बनेगा। हम कहेंगे, हम कहते हैं कितना कमाएगा, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरा बेटा हो जाए जो मुझे कमा के खिलाए, चलो मुझे कमा के ना खिलाए, कम से कम मेरे से खाए तो ना, मुझे तो नोचे, मेरे को बुढ़ापे में अपनी कमाई को एंजॉय करने दे, खुद अपना एंजॉय करे। और उसके एंजॉयमेंट में जब आप बीच में आ जाते हैं तो वो आपको भी तिनके की तरह निकाल के फेंकने का प्रयास करता है। दिस इज द कल्चर जो हमने डाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है बड़ा भाग्यशाली होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें, सारे ये बालक महाभागवत होगा, समस्त गुणों से संपन्न होगा। ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं, अब यहाँ बता रहे जा रहे हैं कि भक्तों की भी 3 कोटियाँ हैं। यहाँ बोला गया महाभागवत बनेगा, प्रभुपाद बता रहे हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं, मुख्य तौर पे 3 श्रेणियों में भक्तों को बांटा जा सकता है, उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी, मध्यम और निम्न। तो जहाँ तक पहले बता रहे हैं निम्न अधिकारी कौन है, जो भगवान के मंदिर में जाता है और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान ना होने के होने होते हुए उस पर ज्ञान नहीं होता उसके पास, और भगवान के भक्तों के लिए आदर नहीं होता उसके हृदय में, वो भगवान की मूर्ति देखता है, प्रणाम करता है और आ जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में कि इस प्रकार से होता है, ये टट पूंजे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, दान दे दो प्रभु जी, दान दे दो, अच्छा ये कर लो प्रभु जी, क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, चलो हटो, टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम वेरी बिजी, अच्छा प्रभु जी ये पुस्तक पढ़ लो, एक पुस्तक ले लो, बहुत पुस्तक है मेरे पास। तो इस प्रकार से उसका आचरण है, केवल भगवान के दर्शन करना जानता है, वो व्यक्ति निम्न अधिकारी है।
शास्त्रों के अनुसार। दूसरे भक्त वह हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली है और इस तरह वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं, यानी कि वो भक्तों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अपने जीवन में। वो जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। इसी से हमारी शुद्धि भी होगी, इसी से हमारे हृदय में प्रेम भी पैदा होगा। तो नवदीक्षितों का पक्ष ग्रहण करते हैं, यानी कि जो नए लोग हैं उनको गाइड करते हैं, वैष्णवों के साथ मैत्री करते हैं, नास्तिकों से बचते हैं, अवैष्णवों से बचते हैं, वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। यानी कि हम सबको द्वितीय कोटि का भक्त तो बनना ही है। क्या बनना है हमें? वैष्णवों की संग करना है, उनकी सेवा करनी है, जो नए लोग हैं उनको गाइड करना है, करंट कंटिन्यूसली गाइड करना है, उनके लिए बहुत पेन लेना है और असत्संग से बचना है। बस इतना करना है, शास्त्रों की नॉलेज लेनी है सत्संग द्वारा, तो ये द्वितीय कोटि के भक्त हैं। लेकिन जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं, प्रत्येक वस्तु को भगवान में देखते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, उन्हें भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, वो महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। इसलिए हमारी ऐसी इच्छा होनी चाहिए, एटलीस्ट हम डिज़ायर तो कर सकते हैं कि हमारा पुत्र हमारी पुत्री बने तो महाभागवत बने। लेकिन डिज़ायर से भी इतना अटैच नहीं हो जाना, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम केवल इच्छा कर सकते हैं। हम कोई और इच्छा ना करें कि वो ये बन जाए, वो ये बन जाए, केवल वो महाभागवत बन जाए, ऐसी इच्छा तो कर सकते हैं। इच्छा करने में क्या है, अच्छी इच्छा है। श्री राजो उवाच। अब राजा युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अप्येषा वंशान राज राज ऋषीन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्धशसा साधु वादेन सत्तमा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राज ऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? देखिए कौन सी उपलब्धियां बोली जा रही है, राज ऋषि पवित्र नाम वाला, क्या ये ऐसा होगा? राज ऋषि, राजाओं में जो ऋषि समान है, यानी कि राजाओं में भी जो इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि राजा लोग अक्सर भोगों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा धन आ जाता है, सौंदर्य आ जाता है, फॉलोअर आ जाते हैं, लेकिन जो राज ऋषि है वो राजाओं में ऋषि है। जैसे देव ऋषि देवताओं में जो अपनी इंद्रियों पर टोटल संयम कर पाए, भगवान की सेवा में लग पाए, वो है देव ऋषि नारद। उसी प्रकार राज ऋषि राजाओं में जो ऋषि, पहले के ज़माने में राजा ऋषि जैसे होते थे। तो आप बोले क्या वो ऐसा बनेगा, क्या वो पवित्र नाम वाला होगा? राजा युधिष्ठिर आप सुनिए, हाउ सक्सेसफुल यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ, क्या आप राजा युधिष्ठिर से बड़े बन पाएंगे? हम लोग इतने बड़े राजा, इतना बड़ा घर उनका, आज भी हम इंद्रप्रस्थ में टूटा फूटा घर देखते हैं, सोचिए कैसी ऑपुलेंस रही होगी उस जमाने में। तो ऐसा राजा भी अपने पुत्र के अंदर क्या गुण देखना चाहता है, क्या वो पवित्र नाम वाला होगा, इन इन सब चीज़ों से विख्यात होगा, क्या वो राज ऋषि होगा, क्या उसके अंदर ऐसे गुण होंगे? इसलिए कहते हैं कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, इट्स करेक्टर इज लॉस्ट, बट हु केयर्स फॉर करेक्टर्स नाउडेज। नाउडेज वट इज इम्पॉर्टेंट इज कितना रोकड़ा, कितना कमा रहा है। कई बार माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, हमने देखा भाई इतना ही पैकेज है तेरा, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट इनफ, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, बनो, बी अ डोंकी एंड वर्क हार्ड। वी नेवर से कि वर्क हार्ड इन चैंटिंग, वर्क हार्ड इन योर फास्टिंग, इन योर जो भी आपके वाउज हैं, जो कि आपकी प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें मेहनत कर बेटा, मेहनत कर, ऐसा शिक्षा हम नहीं देते हैं। इसलिए कहते हैं कि पिता न सस्यात, माता न सस्यात, गुरु न सस्यात। ऐसे पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है, ऐसी माता को माता बनने का अधिकार नहीं है, ऐसे गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है जो अपने बच्चे को भगवान से जोड़ ना पाए, भगवान से स्थापित उसका संबंध ना करा पाए, जो भगवान की भक्ति ना सिखा पाए, जो बच्चे को भवबंधन से मुक्त ना करा पाए। वास्तव में ये सच्चाई है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है, राजा और ब्राह्मणों के आपसी कन्वर्सेशन से जो बच्चे के पैदा होने पर हो रहे हैं। आजकल बच्चे के पैदा होने पर ये होते हैं, बुआ कहती है मैं इसके लिए एक ऊपर नीचे की जोड़ी है मेरे पास, वो मैं ले आऊँगी, मैं हाथों के कड़े ले आऊँगी, मैं ये ले आऊँगी, मैं वो ले आऊँगी, मैं पलंग ले आऊँगी, अच्छा कितना लाल लाल है, कितना पिंक पिंक है, इसको दूध दूध दे दो, इसको ये दे दो, अच्छा इसको घुमाने कहाँ ले जाएंगे, इसका इससे नाम क्या रखेंगे, चिंटू, मैं तो चिंटू बोलूँगी, वो कहता मैं तो पिंटू बोलूँगी, है ना। हमारी चर्चाएँ तो यही होती है ना,
लेकिन भक्तों की चर्चाएं क्या होती हैं, हमने देखा है भक्तों को। हमारे एक भक्त हैं, हमारे हम जो नाम रखते हैं, आप सुनते हैं ना नाम कितने अजीबोगरीब नाम रख देते हैं कई बार। तो हम कई बार भक्तों के नाम रखने के बाद कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी नाम रखिए, मैं कहता हूँ सोच लीजिए प्रभु जी नाम रखा जाएगा तो पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। कई हमारे भक्त कहते हैं जो आप रख देंगे वही नाम हम रख लेंगे, और वास्तव में नाम अजीब से लगते हैं, लगते हैं कि नहीं। कई बार हमारे नाम, हाँ हमने रखा सचिनंदन, क्या था ब्रजेश्वरी, नंद रानी, कालिंदी, अभी नाम सुन के कईयों को लगता है क्या नाम है। लेकिन यहाँ पे चर्चाएं बता रहा हूँ, चर्चाओं का विषय जब बच्चा पैदा होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट इन नॉर्मल संसार और भक्तों के बीच में। भक्तों के बीच में यही है, संसार में एक भक्त आया हम बड़े प्रसन्न होते हैं, एक भक्त आया उसका संस्कार कराना चाहते हैं, गर्भ में उसके संस्कार कराते हैं, पैदा होते ही उसका संस्कार कराते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, सबको प्रसाद कराते हैं। आप सुनते हैं ना आज इनके बच्चे के पैदा होने के उपलक्ष्य में सारे वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, उसमें कीर्तन होगा। ये हैं भक्तों के चर्चा के विषय, जैसा कि आप राजा युधिष्ठिर और इनके बीच में चर्चा देख रहे हैं। और वो चाहते हैं कि बचपन से ही प्रभु जी इसको आप अपनी शरण में रखना, इसको भक्ति में लगाए रखना, ऐसी भक्तों की इच्छा होती है। लेकिन हमारी इच्छा ये होती है, अगेन हमने आजकल देखा है कि बच्चों को बोलते हैं, मैंने खुद देखा ये सब बातें तो मैं बता रहा हूँ रियल बातें, कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, तेरी गर्लफ्रेंड है। अब कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है, थोड़े दिनों में उसको समझ में समाने लगता है, फिर जब बार बार उसको पूछेंगे। मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है, एक और बताता हूँ, कि कोई गाली देते हैं जो गंदी गंदी गालियाँ हैं, बच्चे को बोलता है अच्छा बोल बोल के दिखा, और जो बच्चा बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तुतलाता हुआ गाली देता हुआ, सब लोग पूरा परिवार ठाके मार के हंसता है। सोचिए कितना घटिया हो गया ये संसार, कैसा ये समाज है, दिस इज़ द रियल। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, ये मैं कोई ऐसी बात तो नहीं बता रहा जो आपने ना देखी हो। ये कितना डिफरेंस है, दिस इज़ नॉट कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, दिस इज ऑल इंद्रिय तृप्ति कॉन्शियस लाइफ, जिसका अंत बड़ा ही गंदा है, भयानक है। ब्राह्मणों ने कहा, हाँ ब्राह्मणा उचु पार्थ प्रजाविता साक्षाद्वीक्षा कुरु कुरीव मानव ब्रह्मण्ये सत्य संधश्चा रामो दाशरथ रथिर यथा। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, कोई साधारण बालक नहीं होगा। कैसा होगा? मनुपुत्र इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। इक्ष्वाकु कौन है? ये वैवस्वत मनु का ये 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आधी उम्र बीत चुकी है, 7वां मनवंतर चल रहा है जिसमें वैवस्वत मनु आते हैं। विवस्वान के ये पुत्र हैं, सूर्यदेव के पुत्र विवस्वत मनु हैं, और इनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के फर्दर 100 पुत्र हुए जिन्होंने मांसाहार पे बहुत प्रतिबंध लगाया। तो इक्ष्वाकु एक महान राजा के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम गीता में आता है कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं, मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने अपने मनु को दिया, विवस्वत मनु को, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार कालांतर में ये प्रथा गुरु शिष्य परम्परा खंडित हो गई और मैं इसको देने आया हूँ, तो वो है राजा इक्ष्वाकु। तो ये वैसा बनेगा जीवों का पालन करने वाला, जीवों का पालन करने वाला। अगेन ये नहीं बता रहे कि इसकी क्वालिफिटी क्या, ये ग्रेजुएशन करेगा या LLB बनेगा या CA बनेगा या ये इंजीनियरिंग करेगा, MBA बाहर से करेगा नहीं करेगा, वो कह रहे हैं जीवों का पालन करने वाला होगा। देखिए कैसी बातें हो रही है। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों का पालन करने की बात है, ये दशरथ पुत्र राम जैसा होगा, जो पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए, इच्छा तो नहीं थी, पिताजी के नाम के लिए वनवास को चला जाएगा, 14 साल के लिए भूल जाएगा कि मेरा तो राजाभिषेक होने वाला था, ऐसा व्यक्ति बनेगा ये। सोचिए ये बताया जा रहा है और परिवार वाले भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा हमारा बेटा ऐसा बनेगा, अच्छा हमारा बेटा ऐसा बनेगा, अच्छा ये तो बनाइए कुछ कमाएगा भी, यही सब करेगा। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, आगे भी इनके बारे में बहुत चर्चा आएगी। तो बहुत ही अच्छा वंडरफुल कल्चर दिखता है, हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो, और इट इज़ नॉट अ ड्रीम, हम ऐसा कल्चर अपने भक्तों के बीच में होते हुए देखते हैं। कई भक्त इतने शरणागति हैं, हम देखते हैं तो हमें शर्म आने लगती है कि कोई ऐसा भी बन सकता है, इतना शरणागति बन सकता है जो अपने परिवार अपने हर चीज़ को भगवान के आगे लगा देता है। धन्य है वो लोग, धन्य ऐसे माता पिता, धन्य ऐसे पुत्र पुत्रियाँ हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।